होप यू डूइंग गुड। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है और आपकी स्किन को डीप नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। इट इज़ सो गुड और मैं इसको रेगुलरली अभी यूज़ कर रही हूँ एंड आई एम जेन्युइनली लाइकिंग इट। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसका रिव्यू कर दूँ। और जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं आज बात कर रही हूँ वो है ये ईबा हलाल केयर डीप नरिशिंग ओवरनाइट क्रीम। अगर आप इसका डिटेल रिव्यू देखना चाहते हैं देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जहाँ तक कि मैंने थोड़ा स्टडी किया है, हलाल मीन्स प्योर एंड सेफ, यू नो सबसे अच्छा उसका मीनिंग होता है हलाल। तो ये प्रोडक्ट मैंने यूज़ इसलिए करना स्टार्ट किया क्योंकि इसमें लिखा है कि ये डीप नरिशिंग करता है और ये ओवरनाइट मास्क की तरह काम करता है आपके स्किन के ऊपर, इसलिए आई थॉट ऑफ ट्राइंग दिस। दिस इज़ अमेजिंग नाइट क्रीम। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे इसकी ये लगी कि ये क्रुएल्टी फ्री है, एनिमल का कोई भी इसमें प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया, लाइक पोक या फैट, नथिंग, ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं किया। दिस इज़ एब्सोल्यूटली प्योर क्रीम और इसमें है ऑलिव ऑयल, शिया बटर एंड जैस्मीन। इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये आता है कुछ इस टाइप के बॉक्स में। व्हेन यू ओपन द बॉक्स इसके अंदर एक सादी सी टब आती है, सिंपल सा टब, कोई फैंसी जैजी ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सा टब है। और जब आप टब ओपन करोगे तो आपको अंदर एक प्योर वाइट कलर की क्रीम मिलेगी जो कि मेरा कैप्चर नहीं करेगा अभी कैमरा, बट आपको वाइट कलर की क्रीम मिलेगी। और क्रीम इतनी सुपर सॉफ्ट है गाइज, जब आप इसको फेस के पर लगाते हो ना आपके फेस पे मतलब एक ग्लाइड हो जाती है, इतनी सुपर सॉफ्ट है ये क्रीम। उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईबा हलाल केयर डीप नरिशिंग ओवरनाइट क्रीम रिप्लेनिशेस मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स ओवरनाइट। यस इट डज। आप इसको रात को बस लगा के सो जाइए, एक अच्छा सा लेयर अपने फेस के ऊपर लगा के सो जाइए, ये एब्जॉर्ब हो जाता है आपके फेस के ऊपर कुछ टाइम में। और बस जब आप मॉर्निंग उठोगे आपके फेस को एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टनेस मिलेगा, सपल होगा, ग्लो करेगा और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपका फेस बहुत सॉफ्ट लगना स्टार्ट हो जाता है और बहुत ही ऐसे चुई मुई टाइप्स दिखना स्टार्ट हो जाता है आपका फेस, विच आई रियली लाइक्ड अबाउट दिस मास्क। किसको सॉफ्ट स्किन अच्छी नहीं लगती, ऐसा हर कोई चाहता है कि उनकी स्किन सॉफ्ट और क्लीन और क्लियर और अच्छी लगे, तो ये मास्क वो सारी चीज़ें देता है। यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स की बात अगर मैं करूँ तो इसमें है वाटर, मिनरल ऑयल, ग्लिसरिन, पेट्रोलियम जेली और इसमें मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है एलोवेरा लीफ जूस और इसमें है शिया बटर, जैस्मीन एंड ऑलिव ऑयल। तो इसमें डिटेल में दिया है कि ऑलिव ऑयल हमारे स्किन पे क्या काम करता है। तो ऑलिव ऑयल जो है वो सबसे ज़्यादा विटामिन्स कैरी करता है अपने आप में ही और ये आपकी स्किन को सॉफ्ट, स्मूथ और स्किन को फर्म करता है, आपकी स्किन को हील करता है। अगर आपका अनइवन स्किन टोन है तो वो उसको भी सुधारता है। और इसमें है शिया बटर, तो शिया बटर का तो आई हैव डन ऑलरेडी अ DIY मास्क। शिया बटर अगर आपने सच में यूज़ किया है ना तो आपको पता होगा कि उससे आपकी स्किन कितनी सुपर सॉफ्ट हो जाती है और आपके एंटी एजिंग का भी वो काम करता है, आपके फाइन लाइंस के से भी वो डील करता है। इट इज़ सो गुड। तो ये दोनों चीज़ें हैं और इसमें है जैस्मीन। जैस्मीन इसमें एक खुशबू का काम तो करता है ये, प्लस जब आप इसको लगाओगे ना तो आपको वेल्वेटी फिनिश वाला इफेक्ट मिलेगा, जैसे एकदम कोई वेल्वेट सी कोई चीज़ आप अपने ऊपर लगा रहे हो, इतना स्मूथ लगता है वो। इसकी प्राइस की मैं बात करूँ तो ये आपको बहुत ही सस्ता मिलेगा, इससे 135 रुपीज़ का है, बहुत ही सस्ता है और क्वान्टिटी वाइज बहुत ज़्यादा है, आराम से आपको दो से ढाई तीन महीने तक चलेगा। थोड़ा सा ही लगता है, आपको बहुत ज़्यादा भर भर के लगाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि थोड़े में ही अच्छे से स्प्रेड हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें लिखा हुआ है कि इसमें नो अल्कोहल, नो पोर्क और एनिमल डिराइव इंग्रेडिएंट्स, नो सल्फेट एंड पैराबेन। तो इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं मिली है। अगर आप हमेशा कोई प्योर चीज़ ढूंढना चाहते हैं तो आप ईबा हलाल के प्रोडक्ट्स डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो क्योंकि वो इन सब चीज़ों से दूर है, काफ़ी दूर है। और उसके अलावा यहाँ पर लिखा है कि ईबाज फिलोसफी क्या है, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। All EBA products are rooted in the age-old and proven science of halal to deliver effective results while being pure and safe. तो ये है और
ये यूज़ इसमें डायरेक्शन दिया हुआ है कि आपको कैसे यूज़ करना है। आपको अपना फेस रात को क्लीन करना है, आप सिरम वरम जो भी यूज़ करते हो वो यूज़ कीजिए, टोन कीजिए अपने फेस को और बस एक लेयर अपनी अपने फेस के ऊपर इसको लगा दीजिए एंड दैट्स इट। और आप सो जाइए और मॉर्निंग जब आप अपना फेस प्लेन वाटर से भी वॉश करोगे ना तो आपका जो स्किन है वो सुपर सॉफ्ट लगेगा। डू ट्राई इट, वन यूज़ में ही आपको फ़र्क पता चलेगा। आप रेगुलरली इसको यूज़ करो, पॉकेट फ्रेंडली है और इंग्रेडिएंट्स काफ़ी अच्छे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है इसका। मुझे इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स या ब्रेकआउट्स या ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं मिली हैं। दो आई हैव अ ऑयली एंड समटाइम्स कॉम्बिनेशन स्किन, तो भी ये मेरे स्किन के लिए अच्छा है, तो आई कैन से दैट ऑल स्किन टाइप वालों के लिए बहुत अच्छा है। इस बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है कि इट इज़ एनरिच्ड विद ऑलिव ऑयल, शिया बटर एंड जैस्मिन, हैज़ अ लाइट वेल्विटी स्मूथ टेक्सचर दैट रिप्लेनिशेस स्किन न्यूट्रिएंट्स एंड मॉइस्चर लेवल्स ओवरनाइट, लीविंग द फेस हाइड्रेटेड नरिश्ड सॉफ्ट स्मूथ इन द मॉर्निंग। यस, जितनी भी चार पांच चीज़ें इसमें लिखी है ना, ये 100% करता है। और मैं आपको इसको दिखाती हूँ इसका टेक्सचर कैसा है, इसको अपने हाथ पे थोड़ा सा लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए, ओ माय गॉड, ये बहुत सॉफ्ट है। ये थोड़ा सा मैंने लिया है और मैं यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ। देखिए कितने, ओ माय गॉड, इतनी प्यारी खुशबू आती है ना जैस्मिन की। और बस ये देखिए, आप इसको लगाइए, देखिए कितने ईजिली एब्जॉर्ब हो गया ये आपके स्किन में, बहुत क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है। और ये बेस्ट है विंटर्स के लिए, जब भी विंटर्स आ ही गए हैं ऑलमोस्ट, तो उस टाइम के लिए ये बहुत अच्छा है क्योंकि आपकी स्किन काफ़ी ड्राई हो जाती है, फ्लेकी हो जाती है विंटर्स में, तो उस टाइम के लिए ये ओवरनाइट मास्क आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो गाइस टू ट्राई दिस, इसकी खुशबू आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको जैस्मिन पसंद है तो ये आपकी आपको आपके लिए बहुत अच्छा है। तो गाइस मैं अपने हिसाब से इसको 5 out of 5 दूंगी। मुझे बस एक और चीज़ लगी कि इसके ऊपर ना कोई फ्लैप नहीं आता है, लाइक यू नो कैप या कुछ होना चाहिए, वो नहीं था इसके अंदर, था या नहीं था मुझे याद नहीं आ रहा है। बट एक और चीज़ है, आपको अपनी पूरी फिंगर इसमें डाल के निकालनी पड़ती है, बट आई डोंट माइंड, दैट्स ओके। थोड़ा सा और पैकेजिंग वाइज थोड़ा सा और ठीक किया जा सकता है, बट एनी वेज प्रोडक्ट इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ गुड अबाउट दिस। तो गाइज इफ़ यू वॉन्ट टू ट्राई दिस, और हाँ एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, 50 grams आता है 135 rupees में। इसकी मैनुफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट दोनों भी मैंशन की जाती है। तो इसके अलावा और भी अगर आप इसके बारे में, अगर मैंने कोई पॉइंट जैसे कवर नहीं किया है और आप जानना चाहते हो तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे लिख दीजिएगा, मैं वहीं आंसर कर दूंगी आपको। अगर आप इसको ट्राई करते हो तो डू लेट मी नो अबाउट this product, and if you have any other further request, अगर आप चाहते हो कि मैं और भी कोई topic के ऊपर video बनाऊँ तो वो भी आप मुझे नीचे comment section में लिख सकते हो, I would love to do that। and if you haven't subscribed to my channel, please do it, hit on that notification button, and अगर आपने subscribe किया है ना तो फिर से उसके ऊपर मत क्लिक करना, नहीं तो आप अनसब्सक्राइब हो जाओगे, तो please be careful about that, and I'll see you super soon in another video, till then take care, love you all, bye, good luck।